सही है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो मैं अभी ऑफिस के काम के लिए बैठा हूँ। आज संडे है लेकिन मेरा वर्किंग है, तो मैं अभी बस कनेक्ट कर रहा हूँ मेरा मशीन। और यहाँ पे साइली रेडी हो रही है, मैं रेडी हो चुका हूँ। हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड के बेबी शावर में, तो मैंने परमिशन ले ली है। तो मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, अटेंड कर लूंगा, खाना खा के रिटर्न आ जाऊंगा, क्योंकि काम बहुत है। तो आके वापस से मुझे काम करना है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चला जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या नहीं है, लेट्स सी। साइली का यहाँ पे अभी क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो गया। साइली कितना टाइम लगाने वाली है? और 5 मिनट। और इसका 5 मिनट मतलब 1 घंटा होता है गाइस। इतना सारा मेस कर देती है लड़कियां, ये देखो कितना सारा सामान है। चलो हमें लेट हो रहा है। तूने मेरे को गिफ्ट किया है तो सब पहनना चाहिए ना। हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, मुझे ऑफिस का भी काम है। वो क्या है, लिंक लग जाती है तो काम करने में मजा आता है। थोड़ा काम अभी, फिर ब्रेक ले लिया, फिर वापस काम। वैसा मुझे नहीं जमता है, अगर काम करने बैठो तो बस कंटिन्यूसली काम करके खत्म करने को बहुत मजा आता है मेरे को। ये फ्रेम मुझे मेरे ऑफिस वालों ने दी है, कितनी खूबसूरत है देखो। इसके ऊपर ना ये छोटा छोटा सा एम्बॉस्ड है, बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ये फ्रेम हम लोग को हमारे वेडिंग में हम लोग को मेरी टीम ने गिफ्ट की थी। क्यों गिफ्ट की थी? क्योंकि साइली को कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी वजह से मेरी टीम ने मुझे वैसा ही फ्रेम गिफ्ट किया। साइली तुझे कैसा लगा फ्रेम? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था ना, तब मुझे बहुत ऐसे पीसफुल लगा था। और सबसे ज्यादा ये खुशी थी कि उन्होंने मेरी चॉइस याद रखी थी, जो तुम शादी के पहले उनसे उनके साथ डिस्कस करते थे वो वाली। यस, तो मैं उन लोग को बताते रहता था कि साइली को ये पसंद है वो पसंद है शादी के पहले, तो उन लोग ने वो याद रखा और वैसे ही मुझे गिफ्ट दिया। तो हम लोग अभी निकले हैं, जा रहे हैं बेबी शॉवर में, और हम लोग अभी रिक्शा में जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी अभी चला नहीं सक रहा हूं मैं ना। तो रिक्शा बेस्ट है, आराम से जाओ। हम लोग एक रिक्शा में जा रहे हैं, हमारे दोनों दूसरे दोस्त दूसरे रिक्शा में आ रहे हैं। ये दोनों की गॉसिपिंग चालू है वहां पे बैठे बैठे। कैसा लगा तुझे बेबी शावर? बहुत अच्छा लगा। और ऐसा फील हो रहा था कि यार बेबी क्या हो जाएगा, वो वाला फील था। टेंडर बहुत अच्छी है, सबने बहुत कुछ जान लिया आज। और जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। अब वी आर ऑल वेटिंग फॉर हर बेबी। क्या मतलब, हम लोगों को पता नहीं है हर है या हिज है, बट हाँ मतलब हर दो अक्सर। लेकिन अच्छा था, मजा आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। गाइज अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, मस्त खाना वाना हो गया, एकदम पेट भर के खाना खा लिया है। लेकिन हम लोग सब लोग वही सोच रहे थे, सब दोस्त लोग मिले थे, बहुत धमाल की, बहुत मस्ती की हम लोग ने। अच्छा लगा यार, काफी बड़े हो गए हम लोग। मेरी बचपन की फ्रेंड है वो एक बेबी हो रहा है, टाइम काफी फास्ट निकल गया, काफी बड़े हो गए यार। तो गाइज अभी मेरा जस्ट ऑफिस का काम खत्म किया है मैंने, और मैं एडिटिंग के लिए बैठा हूँ। साइली ने बहुत ही मस्त 2-3 घंटे का नैप ले लिया है, काफी फ्रेश फील कर रही है वो। उसने बहुत खाना खा लिया, कह रही थी, और उसको बहुत नींद आ रही। कैसा लग रहा है आप देखो साइली, फ्रेश फील हो? खाना कम खाया था पर मुझे नींद में, उसके वजह से मैं आने के बाद पहले मैंने मेरी नींद कंप्लीट की, क्योंकि कल ऑफिस है तो मुझे नींद इम्पोर्टेंट थी कंप्लीट करना, इसके वजह से मैं सोई। अच्छा चलो बढ़िया है। तो हमारा अभी प्लान होने वाला है, मोस्टली फ्रेंड के घर पे जाने वाले हैं हम लोग गेम्स और टाइम पास करने के लिए। तो मैं अभी फिलहाल तो वहाँ पे व्लॉग नहीं करूँगा, जिस शुरुआत है ना व्लॉग की इसलिए। बट लेकिन मैंने ना यहाँ पे मेरे टेबल के नीचे आप देख सकते हैं लाइट्स लगाई है,
मेरे को लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, तो मैंने ना इसके नीचे लाइट्स लगाई है एलईडी की, वो यूएसबी पे चलती है, तो उसके वजह से मेरा काम इजी हो गया। मैंने नीचे ना वायरिंग करके रखी, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे उसकी वायर है और यहाँ पे मैंने ना लाइट्स लगाई है, तो इतना मस्त लगता है रात को। तो इतनी सारी वायर्स है, अभी थोड़ा सा उसको भी कर लूंगा क्लीन, लेकिन इफेक्ट बहुत मस्त आता है। तो ये एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, इसको केजोंग ऐसा बोलते हैं, के सी ए जे ओ एन। वुडन फ्रेम्स है जो कनेक्टेड है एक दूसरे को, के बैक साइड में एक इसमें एक एडजस्टर है जो नीचे करते हैं तो उसका स्प्रिंग दूर हो जाता है, और ऊपर करते हैं तो उसके जो स्प्रिंग्स है वो इसके वॉल सरफेस पे पास आ जाते हैं, तो उसका साउंड जो है वो चेंज हो जाता है। ये नीचे रहेगा तो बेस, ऊपर होगा तो गाइज, अभी हम लोग वापस घर पे आ गए और बहुत मजा आ गया। आपने वो जो इंस्ट्रूमेंट देखा ना, वो मैंने भी प्ले किया, बहुत ही मस्त इंस्ट्रूमेंट है। मैंने वो पहली बार देखा, काफी सही था, मैंने भी बजाया वो इंस्ट्रूमेंट और मेरे को ये हाथ में दुखने लग गया है, अभी ये सूजने वाला है, तो मैं आइस पैक लेके लगाने वाला हूँ। खाना वाना खा लिया, वापस से मस्त दिन गया आज का, मजा आ गया आज का दिन। तो अभी मैंने थोड़े से ऑफिस के कॉल्स थे, रात के 12 बज रहे, लेकिन आज का दिन काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।